Hello students, we have discussed about functions in the last video, right? Where I have explained you, जहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे y is a function of x का मतलब होता है कि y is dependent on x, ठीक है? तो हम लोगों ने last lecture में discuss किया था कि y is a function of x, कि how you know y is dependent on x, ठीक है? तो अब आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अभी y इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है? तो जब x के वैल्यूज आप लोगे, x इज इक्वल टू 1 लोगे, ठीक है, मान लो x स्क्वायर है तो y आपको 1 मिलेगा. आप x का वैल्यू 2 लोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा 4. आप x का वैल्यू 3 लोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा 9, ठीक है? ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बट आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इस x में कुछ चेंज करोगे, x प्लस डेल्टा x एक चेंज करोगे, ये डेल्टा x मतलब चेंज इन x, तो y में कितना चेंज आएगा, यानी y प्लस डेल्टा y में ये डेल्टा y कितना होगा, ये चेंज कितना होगा, ठीक है? तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हम लोग x में चेंज लेके आएंगे, इफ वी चेंज x लेट अस से बाय डेल्टा x, तो y में कितना चेंज आएगा, ठीक है? तो वी आर ट्राइंग टू स्टडी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी इज चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है? सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डेरिवेटिव्स. तो मैं एक बार फिर से बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए. तो हमने फंक्शंस में क्या डिस्कस किया है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है, x का 2 है y का कितना है, x 3 है y कितना है. दिस इज सिंपल फंक्शंस कि x का कुछ वैल्यू लो, y का कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है? बट डेरिवेटिव्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर इस x में कुछ चेंज हम लोग ले, पर्टिकुलर चेंज ले, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आएगा, समझ रहे हैं? तो पहले तो हम ये देख रहे थे कि x का वैल्यू इतना तो y का वैल्यू कितना, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि x में एक पर्टिकुलर चेंज आएगा, चेंज इन x, तो y में कितना चेंज होगा. यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? जैसे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मटर पनीर का, ठीक है? आई होप आप सब लोगों को मटर पनीर बहुत पसंद होगा, ठीक है? जो भी हो, मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, काजू पनीर, पनीर टिक्का, जो भी पसंद हो आपको, ठीक है? शाही पनीर, ओके. तो जो भी पसंद है आपको, तो जो मटर पनीर है, राइट, इसको हम कुछ एम कह देते हैं, एम, ठीक है? सो दिस मटर पनीर इज अ फंक्शन ऑफ, ये किस किस चीजों पे डिपेंडेंट है? तो आप बोल सकते हो सर ये पनीर पे डिपेंडेंट है, ये मटर पे डिपेंडेंट है, ये नमक पे डिपेंडेंट है यानी सॉल्ट पे डिपेंडेंट है, और ये जो स्पाइसेस है उन पे डिपेंडेंट है, आपने पानी कितना ऐड किया उस पर डिपेंडेंट, ऐसे बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है, राइट? तो अलग अलग चीजों पर डिपेंडेंट है. यानी मटर पनीर का जो टेस्ट होगा, राइट, वो टेस्ट क्या होगा, वो टेस्ट जो होगा, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. अगर आपने सिर्फ पनीर ही पनीर डाल दिया, 2 किलो पनीर डाल दिया, ठीक है, तो अब उसमें सिर्फ पनीर का टेस्ट आएगा, राइट, तो वो मजा नहीं आएगा. अगर आपने नमक ज्यादा डाल दिया तो भी मजा नहीं आएगा. मतलब तो टेस्ट इट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? टेस्ट डिपेंड्स ऑन पनीर, टेस्ट डिपेंड्स ऑन मटर, टेस्ट डिपेंड्स ऑन नमक, ओके? अब आपने जो भी इसमें बनाया है, राइट, यू हैव प्रिपेयर्ड इट, यू हैव प्रिपेयर्ड दिस मटर पनीर, और उसका जो टेस्ट है वो इन चीजों पर डिपेंडेंट है. अब जैसे आप नमक का क्वांटिटी चेंज करोगे, डेल्टा नमक, आप जैसे ही चेंज करोगे नमक का क्वांटिटी, ये टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, देयर विल बी अ चेंज इन द टेस्ट. समझ में आ रहा आपको? आप अगर नमक की क्वांटिटी को कम कर दोगे तो ये टेस्ट अलग टाइप का हो जाएगा, चेंज आएगा टेस्ट में, क्या आएगा, चेंज. अगर आपने नमक की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, बढ़ाना मतलब चेंज, घटाना मतलब चेंज,
ठीक है, तो आप इसको चेंज किया, ये टेस्ट चेंज हो जाएगा। आपने नमक की क्वांटिटी और बढ़ा दिया, ये टेस्ट एकदम अलग सा हो जाएगा, है ना। बहुत ही क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। और अगर आपने नमक एकदम कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, बहुत ही फीका हो जाएगा। तो अगर आप इसमें कुछ चेंज करोगे इस क्वांटिटी में, तो यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको और इसके मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग में ले चलता हूँ, ठीक है। लेट अस गेट इनटू इट्स मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसा है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बचपन में यानी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, एवरेज स्लोप पढ़ा हुआ है या स्लोप ऑफ अ लाइन पढ़ा हुआ है, राइट। तो पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। जैसे मानिए ये एक ऐसा है, राइट, यहाँ पे, और ये कोई एक लाइन है, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट है x1, ये पॉइंट क्या है x1, और ये पॉइंट है x2, और ये है y1, और ये पॉइंट है y2, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, अगर इस लाइन को मैं ए बी कह दूं, ए बी, तो स्लोप क्या होगा इस लाइन का, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा। तो आपको पता है स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, आपको पता है सर हम ऐसे करेंगे, ये जो है चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, मतलब सर ये वाला हो जाएगा y2 - y1 और ये x2 - x1, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो स्लोप ऑफ लाइन जो हमने पढ़ा हुआ है 9th या 10th स्टैंडर्ड में, वो ये हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। ये आपको पता है, ये आपने सुना हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, राइट, ये जिसको आप y2 - y1 बोल रहे हो वो यही है, ये वाला, राइट, ये वाला y2 - y1, और ये क्या है, तो ये x1 है, ये x2 है। तो ये बीच वाला क्या होगा, ये बीच वाला होगा x2 - x1, ये जो पार्ट है ये क्या होगा, ये होगा x2 - x1, ठीक है। वैसे ये y1 है और ये पूरा y2 है, तो ये बीच वाला क्या होगा, y2 - y1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं इसको बोल दूँ एंगल थीटा, मैं इसको क्या बोल दूँ, मैं बोल दूँ इसको एंगल थीटा कह दूँ, तो टैन थीटा क्या होगा, तो टैन थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट, ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह का ट्रायंगल है। ये है y2 - y1, ये है x2 - x1, और ये है थीटा। तो टैन थीटा क्या होगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट होगा, यानी वो हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1, ऑलराइट, समझ में आप लोग को। तो स्लोप ऑफ ए बी वो भी y2 - y1 / x2 - x1, और टैन थीटा वो भी y2 - y1 / x2 - x1। तो इसका आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि जो स्लोप है इस लाइन का, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है, ठीक है। तो आप यहां तक नोट करो, तो हमें बेसिकली ये समझ में आया कि स्लोप, राइट, ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू टैन थीटा एंड विच इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1, ओके, ये ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ तक ये समझ में आया है अभी तक, राइट, इस ग्राफ से और इस इक्वेशन से। आई होप आपने ये सब बना लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग को जो समझ में आया, हम लोग वो पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। हम लोग को ये समझ में आया कि स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। तो ये y2 - y1 को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं चेंज इन y, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चेंज इन y कह सकते हैं। तो मैं इसको बोल सकता हूं डेल्टा y, ठीक है। डेल्टा y का मतलब क्या है, चेंज इन y, ठीक है। और इसको मैं कह सकता हूं डेल्टा x, ठीक है, x2 - x1। तो x2 - x1 हो गया चेंज इन x। तो बेसिकली मेरे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट तैयार हो गया है कि स्लोप ऑफ अ लाइन ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू टैन थीटा। तो आपने देखा था कि टैन थीटा क्या था, राइट। तो यहाँ हम फिर से बना देते हैं, राइट, ये था ए बी, लाइन ए बी, ये था थीटा। तो इस थीटा का टैन, टैन थीटा वॉज दिस डिवाइड बाई दिस, राइट, दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। तो हम लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेटिव क्या है, ओके। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे
एक इस तरह का कर्व लेने वाला है। तो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स, ठीक है। तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, इसका एक ग्राफ बनेगा, राइट। इसका ग्राफ बनेगा वाई वर्सेस एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ ले लेते हैं इस टाइप से, इस टाइप से हमने एक ग्राफ ले लिया, ठीक है, कि ऐसा कोई ग्राफ तैयार हो रहा है, ठीक है। आपको मैंने बताया था फंक्शन में ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो हम लोग एक्स के वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, एक्स के वैल्यूज के हिसाब से हमें वाई के वैल्यूज मिलते हैं। उसके बाद हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, एक्स के वाई के कोऑर्डिनेट्स, एक्स के वाई के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लोकेट करते हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग जोड़ देते हैं। तो उसको जोड़ के हमें ग्राफ मिल जाता है। तो मान लेते हैं कि ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा एक ग्राफ है, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया कि ऐसा एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हमने दो पॉइंट्स ले लिए। एक ये पॉइंट ले लिया ए और एक ये वाला पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। ये मैंने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए। ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ ये वाला है कर्व। इस पे मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक ए और एक बी, ठीक है। दो पॉइंट मैंने ले लिए। जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ एक कर्व है, राइट। तो ये मैंने ये ले लिया और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ। ये इसको मैं एक्स वन मान लेता हूँ, ओके ओके। इसको मैं वाई वन, ठीक है। इस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, तो उसको मैंने एक एक्स वन मान लिया और एक मैंने वाई वन मान लिया है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये है एक्स टू और ये मैंने क्या मान लिया है, ये मैंने मान लिया है वाई टू, ओके ओके। तो ये एक्स वन, वाई वन, एक्स टू और वाई टू, राइट। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसका स्लोप लिखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ स्लोप ऑफ ए बी, राइट, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, दैट्स वेरी सिंपल। आप बोलोगे सर वो हो जाएगा ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये डिवाइड बाय ये, ठीक है। तो ये जो स्लोप ऑफ ए बी है ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। मतलब सर आप इसको बोल सकते हो कि ये है डेल्टा वाई और ये है डेल्टा एक्स, ठीक है, ओके, स्लोप ऑफ ए बी, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस बी को नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। मतलब हम दूसरा पॉइंट लेंगे, बी को नीचे शिफ्ट करेंगे। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आई विल जस्ट टेल यू कि हम ऐसा क्या कर, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसको धीरे 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 शिफ्ट करते जाएंगे, ओके। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है अभी दूसरा लाइन लेते हैं। मान लो हम लोगों ने ये वाला लाइन ले लिया, तो इसको मैं बोल देता हूँ सी बोल देता हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा इधर नजदीक आ रहा हूँ, तो ये ए और बी था, अब वहां से थोड़ा डिस्टेंस कम करके ए और सी, फिर कम करके ए और डी, फिर ये कम करके, फिर कम करके, फिर कम करके, हम देखेंगे कि इस एक्स को कम करते 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 अगर हम जीरो कर दे तो क्या होता है, ठीक है। जीरो कर दे तो क्या होता है, तब हम एक्सप्लेन करेंगे डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ए और सी लिया हमने, अगला ले लिया ए और सी। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है कुछ और होगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स थ्री होगा और इसका कोऑर्डिनेट कुछ वाई थ्री होगा, ठीक है, ओके। तो इसके हिसाब से जो हमें स्लोप मिलेगा, जो हमें यहाँ पे स्लोप मिलेगा, स्लोप, राइट, स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा, तो स्लोप ऑफ ए सी होगा वाई थ्री माइनस वाई वन, राइट, क्योंकि अभी ये वाला चाहिए होगा हमें, सिर्फ ये वाला वाई थ्री माइनस वाई वन डिवाइड बाई, और फिर ये वाला चाहिए होगा दिस वन, तो वो हो जाएगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन। तो दिस इज इक्वल टू अगेन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये डेल्टा एक्स वन है, ये डेल्टा वाई वन है, ये डेल्टा एक्स टू है, ये डेल्टा वाई टू है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि डेल्टा एक्स टू डेल्टा एक्स वन से छोटा है, ठीक है, डेल्टा एक्स टू डेल्टा एक्स वन से छोटा है। ये है डेल्टा एक्स टू और ये है डेल्टा एक्स वन, तो डेल्टा एक्स टू जो है वो डेल्टा एक्स वन से छोटा है, राइट। अब हम लोग इसको और नजदीक ले आएंगे इस तरह से, राइट, यहां पे ले आएंगे। तो ये हो गया अब डी, ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया डी। इसका कोऑर्डिनेट मान लो है कुछ एक्स फोर, तो इसका ये कोऑर्डिनेट होगा कुछ वाई फोर, ओके। इस तरह से नजदीक आते जा रहे हैं। तो अब ये जो है स्लोप, स्लोप ऑफ ए डी, ए से डी का स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, वो होगा वाई फोर माइनस वाई वन
बाई एक्स फोर माइनस एक्स वन, सो वो हो जाएगा डेल्टा वाई थ्री बाई डेल्टा एक्स थ्री। तो आप देख सकते हो इस तीनों में कि डेल्टा एक्स वन इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स टू इज ग्रेटर देन डेल्टा एक्स थ्री, इस तरह से वी कैन कीप ऑन गोइंग राइट एंड वी कैन रीच टू डेल्टा एक्स एन। ठीक है, हम और उसके आस उसके पास 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 आ सकते हैं। और हम लोग ये देख सकते हैं कि जब इंस्टेंटेनियस चेंज होगा राइट ओके, तो इस तरह से जो है हम लोग यहां क्या करने वाले हैं, ये जो डेल्टा एक्स है इसको हम छोटा और छोटा, उससे भी छोटा, बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा करते 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 हम लोग उसको बहुत छोटा, यानी वो जो चेंज होगा डेल्टा एक्स इज अ चेंज, डेल्टा एक्स क्या है चेंज है, तो हम लोग उस चेंज को बहुत छोटा बना देंगे, बहुत छोटा सा चेंज। ठीक है, यानी जिसको हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, जिसको हम क्या कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स। तो हम लोग फिर ये देखना चाहते हैं कि जब इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स हो रहा है तो इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई कितना होगा। ठीक है, दोनों में अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करिए और आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो बड़ा इंटरवल है जब ये लेते हैं तो क्या होता है और जब छोटा इंटरवल लेते हैं तो क्या होता है। जैसे जैसे इस इंटरवल को हम लोग छोटा 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 करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, और अगर ये इंटरवल बड़ा रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको यहाँ पॉज करिए, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, तो आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे, कर लिया होगा। ठीक है, पॉज करिए। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको इसके आगे बताता हूँ, देखिए तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग डेल्टा एक्स स्मॉल, मोर स्मॉल, वेरी स्मॉल, और इसी वेरी स्मॉल को एक और वर्ड कहते हैं, वो हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, यानी कह नहीं सकते कितना छोटा, इसको हम लोग कहते हैं कि टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स एरो, ये एरो लगाया है, एरो जीरो मतलब डेल्टा एक्स यानी चेंज इन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, चेंज इन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। तो ये समझो कि हम लोग इस डेल्टा एक्स को छोटा 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 बहुत छोटा करने वाले, इतना छोटा कि इट विल टेंड टू जीरो। ओके, अच्छा, इफ दिस डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, ये लिख लो, आप यहां पे पॉज करो, लिख लो। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो इफ दिस डेल्टा एक्स विल टेंड टू जीरो तो क्या होगा, तो वो बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इस चीज को समझो, इफ डेल्टा एक्स विल टेंड टू जीरो, इफ डेल्टा एक्स विल टेंड टू जीरो देन this secant मतलब वो लाइन जो कर्व को दो जगह कट करता हूं, the secant will become a tangent right, then what will happen, then the secant will become tangent। okay, ये पहला चीज, अगर आप इस डेल्टा को छोटा 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 करते जाओगे तो ये सीकेंट है, ये टैंजेंट बन जाएगा। ओके ओके, ठीक है, सो व्हाट वी विल गेट, सो वी विल गेट इंस्टेंटेनियस, वी विल गेट इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई, मतलब हम लोग एग्जैक्टली उस वक्त एग्जैक्टली एक्स वन पे, x जब चेंज होगा, x जब थोड़ा भी चेंज होगा तो y कैसे चेंज होगा, एग्जैक्टली x1 पे। ठीक है, सो वी विल गेट इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू, वर्स दैट वी विल गेट इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन x।
सो प्लीज नोट डाउन दिस. ठीक है, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि जो ये पहले सीकेंट है राइट, वो सीकेंट जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स छोटा करते जा रहे हैं, वो सीकेंट क्या बन जा रहा है, वो टेंजेंट बन जा रहा है. तो ये जो सीकेंट है ये क्या दे रहा है, ये सीकेंट दे रहा है एवरेज चेंज इन एक्स, एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एवरेज चेंज इन एक्स. ठीक है, या लार्ज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू लार्ज चेंज इन एक्स. ठीक है, ये हमें सीकेंट क्या दे रहा है, सीकेंट हमें दे रहा है लार्ज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू लार्ज चेंज इन एक्स. लेकिन जैसे जैसे हम इस इंटरवल को छोटा करते जा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं पहले वो डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री, डेल्टा एक्स फोर, जैसे जैसे हम इसको छोटा करते जा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है एक्स का बहुत छोटा सा चेंज. मतलब बेसिकली एक्स पे, पर्टिकुलर एक्स पे जो चेंज हो रहा है, एक्स पे जो चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज होगा एक्स पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई मिलेगा. ऑलराइट, समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने अभी तक बस इस इंटरवल को छोटा बनाया. ऑलराइट, तो जो एवरेज स्लोप है, एवरेज स्लोप राइट ए और बी के बीच में, तो एवरेज स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स कौन से, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का एवरेज स्लोप, तो मैं बोलूंगा उसको एवरेज स्लोप. वो एवरेज स्लोप कितना है, वो एवरेज स्लोप है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. ठीक है, एवरेज स्लोप, तो ए और बी के बीच का जो एवरेज स्लोप है वो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. ठीक है, लेकिन अगर मुझे ए पे इंस्टेंटेनियस स्लोप चाहिए, अगर मुझे ए पे इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए, तो एवरेज स्लोप का मतलब हो गया एवरेज चेंज, एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एवरेज चेंज इन एक्स. इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि दिस इज एवरेज चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ऐसा भी बोल सकता हूं. पर अगर मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए मुझे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए चाहिए, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस स्लोप. तो वो कैसे मिलेगा, वो मुझे तब मिलेगा जब मैं डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दूंगा. तो ये चीज समझो, यहां पे हमने एक नया लिखा है, हमने लिखा है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो. हमने क्या लिखा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब हम डेल्टा एक्स को बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा कर दे तो फिर मुझे इंस्टेंटेनियस स्लोप मिलेगा, यानी मुझे इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स मिलेगा, जो मैंने पहले लिखा था. तो ये मुझे मिलेगा, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप इज इक्वल टू दिस राइट. इसको हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स, या इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव. ठीक है, इस चीज को हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स. ऑलराइट, यानी इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन x, इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव. बहुत सिंपल है. ठीक है, तो मैं आपको फिर वापस समझाता हूँ. राइट, एक बार मैंने समझा दिया आपको. ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपको ये वापस एक बार समझाता हूँ. ठीक है, ओके, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ. फिजिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, ओके, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स, फ्रॉम फिजिक्स. देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे जो है कि अगर अपने पास कोई भी ग्राफ है, वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है. ठीक है, वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है. ऑलराइट, तो अगर हमने इस तरह से लिया है, दो पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये ए और ये बी राइट, तो ये हमें देगा एवरेज स्लोप. राइट, ये हमें क्या देगा, ये जो लाइन है राइट, इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो होगा चेंज इन वाई, टोटल चेंज इन वाई बाय टोटल चेंज इन एक्स. ठीक है, ओके, तो वो आपको बताएगा कि इस इंटरवल में, ये जो इंटरवल है, ये एक्स वन, ये एक्स टू, इस पूरे इंटरवल में राइट, जो एक्स में जो चेंज हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में कितना चेंज हो रहा है. राइट, मतलब फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है. तो इस इंटरवल में जो चेंज हो रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में कैसे चेंज हो रहा है, तो दैट इज राइट, दैट चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ दिस लाइन. राइट, द चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी. राइट, जो आपने पहले पढ़ा है राइट, स्लोप ऑफ लाइन ए बी. सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमें क्या दे रहा है,
वो हमें ये दे रहा है कि किस तरह से वाई में चेंज आएगा जब एक्स में चेंज आएगा। लेकिन ये जो चेंज है एक्स में, ये एक बहुत बड़ा इंटरवल है, इट्स अ लार्ज इंटरवल, ठीक है। तो एक लार्ज इंटरवल है यहाँ पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में कैसा चेंज आएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको बोला है एवरेज स्लोप, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एवरेज स्लोप। लेकिन इसी इंटरवल को जब हम छोटा करते जाएंगे, इसी इंटरवल को क्या करते जाएंगे, जब छोटा करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्लोप, या जैसे इस पॉइंट पे, तो वो इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा टेंजेंट। वो इंस्टेंटेनियस स्लोप किससे मिलेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। ये जो ए बी है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो ए बी है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका भी स्लोप है, और ये जो टेंजेंट है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। दोनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसका भी अपना स्लोप है, इसका भी अपना स्लोप है, ठीक है। तो जैसे यहां पे आप देखो, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है राइट, अगर ये एंगल मैं थीटा लेता हूं तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू टैन थीटा, राइट। बिकॉज अभी जैसे मैंने आपको बताया था, टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा होगा अपोजिट बाई एडजेसेंट, मतलब टैन थीटा हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब कुल मिला के tan theta slope of line AB is equal to tan theta is equal to delta y by delta x, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इंटरवल छोटा करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इंटरवल छोटा करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा कि ये जो secant है ये tangent बन जाएगा, ये secant क्या बन जाएगा, tangent। लेकिन ये जो tangent है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये स्ट्रेट लाइन का भी अपना स्लोप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इसका जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ, इसको हम कुछ ए एक्स कह देते हैं, ए एक्स, तो स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स, तो जो स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स है वो होगा, तो इसको आप मान लो यहाँ पे कुछ थीटा की जगह अल्फा मान लो, ठीक है, तो वो हो जाएगा टैन अल्फा। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी टैन थीटा, राइट, ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो वैसे यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स क्या होगा, वो होगा टैन अल्फा, यहाँ पे अल्फा जो एंगल बना रहा है इसके साथ, ठीक है। और वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लेकिन उसमें कंडीशन क्या डाला हमने, उसमें कंडीशन ये डाला है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा एक्स को छोटा 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 करते गए टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथ्स में एक पूरा चैप्टर है लिमिट्स करके, लेकिन आपको बस यहाँ इतना समझना है कि जैसे हमने ये लिमिट लगाया डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये जो सीकेंट का स्लोप है ये उस टेंजेंट का स्लोप हो गया, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। ये क्या है, ये स्लोप ऑफ सीकेंट, तो स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी, इस पे हमने क्या लगाया, इस पे हमने लिमिट लगाया, सो वी हैव अप्लाइड लिमिट्स, वी हैव अप्लाइड लिमिट, व्हाट इज दैट लिमिट, दैट लिमिट इज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। सो ऑन दिस स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी वी हैव अप्लाइड लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, सो दिस स्लोप हैज बिकम, this slope has become slope of tangent ax, this has become the slope of tgt, tgt is tangent, tangent ax, okay, that's it, and this slope of tangent ax is called the derivative, is called the derivative of the function, is called the derivative of the function, theek hai, to ab isko note down karo, all right, to yahan pe main likhta hu, to this, so this slope of the tangent ax, so what is dy by dx, dy by dx is the slope of the tangent ax, slope of the tangent ax, and what this gives, this gives what, this gives average change in y with respect to average change in x, right, and this gives instantaneous change in y, instantaneous change in y with respect to instantaneous change in x, this is dy by dx, dy by dx, this is called a derivative, this is called the derivative of y with respect to x, derivative of y with respect to x. So ek bar main fir se aapko explain karta hu, the thing is very simple. So we are talking about change in y with respect to change in x, first thing. Second thing, if the change in x is very large, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, ये पूरा चैप्टर किसके बारे में, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इसके बारे में,
जब भी एक्स में कुछ चेंज होगा तो वाई में चेंज किस तरह से होगा, क्या होगा, इसको स्टडी करना, इस चीज को स्टडी करना, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स मतलब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। लेकिन जब डेल्टा एक्स बहुत लार्ज होगा, जब डेल्टा एक्स बहुत लार्ज होगा तो वो होगा एवरेज स्लोप, यानी वो होगा एवरेज चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एवरेज चेंज इन एक्स, ठीक है। ओके, दैट्स नॉर्मल स्लोप जो हम पढ़ते हैं, वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। लेकिन उसी डेल्टा एक्स को जब हम छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे कि वो डेल्टा एक्स जीरो जीरो के लगभग पहुंच जाएगा, जीरो नहीं होगा, वो जीरो के लगभग पहुंच जाएगा। जीरो के लगभग कितना पहुंचेगा ये हम नहीं बता सकते हैं, बस वो जीरो के लगभग पहुंचेगा, मतलब वो बहुत छोटा हो जाएगा। वो इतना छोटा हो जाएगा कि जो जो एवरेज स्लोप है, जो सीकेंट है, वो सीकेंट टेंजेंट बन जाएगा। वो सीकेंट क्या बन जाएगा, वो सीकेंट टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो वो सीकेंट क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और वो जो टेंजेंट है, उस टेंजेंट का जो स्लोप है, राइट, वो है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब वो जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है उस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है, जैसे यहां पे इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस स्लोप है, तो वो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लेकिन जब डेल्टा एक्स को हमने क्या किया है, टेंडिंग टू जीरो कर दिया है, तो उसी स्लोप को हम कहते हैं डी वाई बाय डी एक्स। अगर इंस्टेंटेनियस है तो उसको हम कहते हैं डी वाई बाय डी एक्स, और एक इंटरवल पे है तो उसको हम कहते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। दोनों सेम है, लेकिन अगर बड़ा इंटरवल है तो उसी स्लोप को हम कहते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। पर अगर वही, सॉरी, हाँ, ये डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बट वही इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो 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 कर दे हम उसको, तो इसी स्लोप को हम कहते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स नहीं कहते, उसको कहते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स, ठीक है, यानी डी वाई बाय डी एक्स कहते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स। वही है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा की जगह डी लिखा गया है, ये रिप्रेजेंटेशन है, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्लोप का रिप्रेजेंटेशन है, और एवरेज स्लोप का रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इंस्टेंटेनियस स्लोप का रिप्रेजेंटेशन है डी वाई बाय डी एक्स। तो जो इंस्टेंटेनियस स्लोप होता है ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्लोप को हम डेरिवेटिव कहते हैं। ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर हमने एक बड़ा इंटरवल लिया और हम बड़े बड़े इंटरवल पे हम स्लोप निकाल रहे हैं, उसको हम डेरिवेटिव नहीं कहते, उसको हम सिर्फ कहते हैं एवरेज स्लोप, राइट, बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे, किसी हम एक पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं, तो वो स्लोप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट खींच के। तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वो जो टेंजेंट है, राइट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट उसी को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसी को हम टैन अल्फा कह सकते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, टैन अल्फा, ठीक है, टैन अल्फा। तो इसका अगर हमें स्लोप निकालना है, इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे, इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम यहाँ पे ले लेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे, राइट, एक ये डेल्टा वाई, एक ये डेल्टा एक्स। ओके, ठीक है, तो जैसे ये अल्फा है वैसे ये भी अल्फा होगा, राइट, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स, उस लाइन का स्लोप। द स्लोप ऑफ ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, ये भी इस लाइन का स्लोप है, और वही डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो बेसिकली जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है उसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट्स ऑल, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का बहुत सिंपल मीनिंग है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स। That's all. अगर there's a big change in x, big change in y, big change in x, उसको हम सिर्फ slope कहते हैं। But if we are talking about instantaneous change in y with respect to instantaneous change in x, तो उसको हम लोग कहते हैं derivative. उसको हम लोग derivative कहते हैं। उस slope को हम लोग कहते हैं derivative of y with respect to x. बस इतना ही, ठीक है? बहुत simple है, ठीक है? आप इसको फिर से सुनो, दो तीन बार सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आज हम लोग सिर्फ इसका कंक्लूजन लिख देते हैं, राइट, मैं एक बार फिर से इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ, राइट, आप ये नोट कर चुके होंगे, आप नोट करिए, उसको दो चार बार पढ़िए तो आपको जरूर समझ में आएगा,
ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसका बहुत यूटिलिटी है आगे जो हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको सिर्फ कंक्लूजन बता देता हूँ कि आप ये ध्यान रखिए कि अगर हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ये वाई है, ये एक्स है, राइट, यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर एक्स पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई, मुझे क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। मतलब ये क्या है, ये है डी बाई डी एक्स वाई, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, मतलब जो एक्स में चेंज होगा तो वाई में कितना चेंज होगा। तो कंक्लूजन ये है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे जो आप टैंजेंट खींचोगे, यहाँ पे जो आप टैंजेंट खींचोगे, ये टैंजेंट का जो स्लोप होगा, ये टैंजेंट का क्या होगा, स्लोप, यानी डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं एक्स वन बोल देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन विल बी इक्वल टू टैन थीटा वन। इस एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पे अगर मुझे मुझे डेरिवेटिव निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स निकालना है, यानी किस तरह से वाई एक्स के साथ चेंज होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू टैन थीटा वन और दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए एक्स, स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स, ठीक है, बस इतना आपको समझना है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, इसी स्लोप को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। अब मान लो मैंने दूसरा एक्स ले लिया, मैंने ले लिया एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, मैंने क्या ले लिया, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पे दूसरा टेंजेंट बनेगा, ये टैंजेंट दूसरा हो जाएगा, राइट, ये दूसरा कुछ एंगल बनाएगा, ये थीटा टू बनाएगा, इस विल मेक थीटा टू, राइट। इसका मतलब क्या है कि ये स्लोप चेंज हो रहा है, ये जो स्लोप है ये चेंज हो रहा है, ये टैंजेंट जो है ये नया नया टैंजेंट बनता जाएगा, फिर यहां पे आप देखोगे तो एक अलग टैंजेंट बन जाएगा, है कि नहीं, इस वाले एक्स पे। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर मैं यहां पे बोलूंगा कि डी वाई बाई डी एक्स यानी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, वो अलग है क्योंकि वहां पे स्लोप अलग है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा यहां पे, मैं बोलूंगा कि ठीक है आप इतना लिख लो, राइट, तो मैं बोलूंगा यहां पे कि जो dy बाई डी एक्स होगा, जो dy बाई डी एक्स होगा एट x इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू, एक्स वन का हो गया, ये x1 था, ये वाला ये x1 था, ठीक है, ये x1, x1 पे ये वाला टैंजेंट था, तो इस वाले टैंजेंट का स्लोप, तो जो टैंजेंट का स्लोप है वो डायरेक्टली टैन थीटा वन है, वो मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए एक्स, इस पॉइंट को हम कह देते हैं बी और इसको बोल देते हैं बी वाई, ठीक है, ये दूसरा टैंजेंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू एट एक्स इज इक्वल टू एक्स टू विल बी इक्वल टू टैन थीटा टू, टैन थीटा टू, और basically that is equal to slope of line by, slope of line by, तो ये वाला line, slope of line by, समझ में आपको। तो this is basically what, this is basically derivative of y with respect to x at x is equal to x2, at x is equal to x2, समझ में आप लोगों को, okay। अगर हम लोग बात करें x इज इक्वल टू एक्स थ्री की, x इज इक्वल टू एक्स थ्री, तो x इज इक्वल टू एक्स थ्री मतलब ये हो गया, ये वाला ये हो गया, तो ग्राफ में ये वाला पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे जो टैंजेंट बनेगा वो टैंजेंट ऐसा बनेगा, राइट, ये हो जाएगा, इसका एंगल कुछ और होगा, ये थीटा थ्री होगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा ये जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट का जो स्लोप है, राइट, वो इस पॉइंट पे इस ग्राफ का डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब मैं बोलूंगा कि dy वाई बाई डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री, जैसे जैसे पॉइंट चेंज हो रहे हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, हर पॉइंट पे वो डेरीवेटिव का वैल्यू अलग है, हर पॉइंट पे वो डेरीवेटिव का जो वैल्यू है चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, किस रेट से वाई चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो अलग है, ठीक है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, हम एक ही स्पीड पर गाड़ी नहीं चलाते हैं,
हम कभी गाड़ी फास्ट चलाते हैं, कभी स्लो चलाते हैं, कभी बहुत फास्ट चलाता है, कभी बहुत स्लो चलाता है. तो चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेरिएबल होता है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले इसका एप्लीकेशन. तो जब हम बात करेंगे डी वाई बाई डी एक्स चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री, एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री, वो क्या होगा? वो होगा टैन थीटा थ्री. तो आप देख सकते हैं हर पॉइंट पे अलग अलग है, राइट? वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है. तो मैंने आपको अलग वाला एग्जाम्पल दिया है. तो दिस इज वॉट दिस इज, तो ये लाइन को मैं बोलता हूं जेड, सी जेड, ये हो गया सी पॉइंट, सी ये जेड, सी जेड, ये था ए एक्स, ये था बी वाई, ये है सी जेड. ओके, तीसरा टेंजेंट. तो ये हो जाएगा स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन सी जेड, स्लोप ऑफ लाइन सी जेड. तो ये क्या है? ये है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री. ठीक है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री, राइट? समझ में आपको? तो इस तरह से जितने पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है यहाँ? इनफाइनाइट पॉइंट्स है, राइट? यहाँ पे एक्स के कितने पॉइंट्स है? यहाँ पे एक्स के इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और उस इनफाइनाइट पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकते हैं. और वो इनफाइनाइट टेंजेंट्स का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो अलग अलग है, और वो सेम भी हो सकता है. मान लो ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, तो हर पॉइंट पे वो टेंजेंट एक ही आता, तो हर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक ही आता. या वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होता, या इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होता, तो भी हर पॉइंट पे टेंजेंट एक ही आता. तो अगर वो स्ट्रेट लाइन होता तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या आता? एक. हर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता? एक ही आता. लेकिन हमने कर्व ले लिया, ठीक है? तो जैसा ग्राफ होगा उसके हिसाब से आएगा. अगर एक कर्व है तो हर पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? अलग आएगा. जैसे हम, मैंने आपको यहाँ दिखाया एट एक्स इक्वल टू एक्स वन वो टैन थीटा वन आ रहा है, उसका वैल्यू अलग आएगा. एट एक्स इक्वल टू एक्स टू टैन थीटा टू है, उसका वैल्यू अलग आएगा. एट एक्स इक्वल टू एक्स थ्री वो टैन थीटा थ्री है, उसका वैल्यू अलग आएगा. ये जो डी टैन थीटा थ्री है यही डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो स्लोप ऑफ लाइन सी जेड है वही डी वाई बाई डी एक्स है. ठीक है, ठीक है. तो आप इसको नोट करिए, यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है? तो पॉज करिए और नोट करिए. तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? तो फाइनल कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी ग्राफ से, ठीक है? अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है, मतलब बेसिकली हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? हम इसका इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेरिवेटिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, किसी पैरामीटर को चेंज करेंगे हम तो उससे उस फंक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कभी हमें फाइंड करना है तो हम सिंपली फाइंड करेंगे टैन थीटा, ठीक है? तो टैन थीटा है यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उस पॉइंट पे, राइट? कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट ले लो, तो उस पॉइंट पे जो भी एंगल बन रहा होगा वो टेंजेंट जो भी एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ उसको थीटा नॉट ले लो. तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टैन थीटा नॉट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट. बस ये कंक्लूजन है. दिस इज वॉट इज दिस, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? ओके, या इसको मैं बोल सकता हूं चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ऐसा बोल सकता हूं, या ठीक है? ओके, समझ में आप लोग को? दिस इज वॉट इज डेरिवेटिव, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फॉर्मूलाज विच आर यूज इन डेरिवेटिव, ठीक है? कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, तो बेसिकली हमें याद रखने हैं, और फिर इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है, ये जो ग्राफिकल स्टडी की हमने इसको फिजिक्स में कैसे अप्लाई करना है वो भी हम लोग सीखेंगे थोड़ा बहुत, और फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में. ऑलराइट.